हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये आप यहाँ पर डायग्राम में देखें, तो स्टमक के नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो काफी टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाहर जो है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। साइज की वजह से हम इनको इनका नाम दिया गया है, जो छोटी है यानी जिनका जो मोटाई है कम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनकी मोटाई ज्यादा है वो लार्ज इंटेस्टाइन। अब इनके अंदर देखेंगे तो इस तरह का एक पाइप होता है, ये इस तरह का एक पाइप सा होता है, ठीक है, इस तरह का। इसके जो अंदर की सरफेस है उसका कुछ, अगर हम बहुत जूम करके स्ट्रक्चर देखें, छोटे 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 रेसे से पाए जाते हैं उसमें, इस तरह के। इन्हें हम कहते हैं विली, समझे थोड़ा सा, फिर आगे आते हैं अभी, ठीक है, आंसर भी देखेंगे। ये विली को अगर मैं और जूम करूं तो विली का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ विलीज जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यही जो विली है ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विली, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे 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 रेसे से अभी आपने देखे थे, ठीक है, विली लाइन्स इनको हम कहते हैं। ये जो यहाँ पर छोटे 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 स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, तो ये हैं विली लाइन्स। अब ये जो विली लाइन्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है। तो दीज विली है इवन स्मॉलर प्रोजेक्शन कॉल्ड, छोटे 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 उनको माइक्रो विली भी कहते हैं, कुछ और छोटे होते हैं उन्हें माइक्रो विली कहते हैं, विच ड्रामेटिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा। अगर वो सीधा एक पाइप होता और खाना उसमें जा रहा होता तो केवल सरफेस एब्जॉर्ब करती, बट जब ये छोटे 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 विलीज होते हैं तो एरिया बढ़ता जाता है, सरफेस भी वो एब्जॉर्ब करेगी और ये एरिया जो ऊपर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो फूड उनसे चिपकता हुआ आगे बढ़ता है, उनको टच करता हुआ आगे बढ़ता है। तो जब उनके चारों ओर से ये फूड उनको टच करते हुए आगे बढ़ता है तो ये विलीज जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस अलाउ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड टू पास इजीली इनटू मेनी ब्लड वेसल्स विद इन द विलीज। और विलीज के पीछे क्या है, अब देखो ये विलीज है, छोटे छोटे विलीज, उनके पीछे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स होते हैं, जब फूड उनको टच करते हुए गुजर रहा होता है तो ये एब्जॉर्ब करते हैं और जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड वेसल के अंदर चले जाते हैं। अब ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सेल है उनका काम है जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट है उनको सब जगह पहुंचा देना। तो ब्लड इज देन द ब्लड स्ट्रीम इफिशियंटली कैरीज दिस न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी, और वो सारे सेल्स जो है हमारी बॉडी तक एनर्जी लेके चले। अब फूड में जो न्यूट्रिएंट थे, जो एनर्जी थी, जो भी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स थे वो विलीज ने एब्जॉर्ब किए। और विली कहाँ पर है आपको पता ही चल गया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है और वहां पर ये एब्जॉर्ब करते हैं किसको, एब्जॉर्ब फूड से मिनरल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन कहाँ होता है फूड का, स्टमक के अंदर, और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है होता है। मेनली लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको एब्जॉर्ब करना और उसमें से वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करना, उसके बाद उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना, और बाद में वो जो है रिमूव हो जाता है बॉडी से तो उसको एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें से जो भी वाटर कंटेंट है वो सब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से जो है 4 से 6 घंटे में स्टमक से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गुजरते हुए जो है फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, जब हम डाइजेशन प्रोसेस को पूरा पढ़ेंगे तो एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहीं तक रखते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लियर। तो ये थे विलीज, है ना, ये छोटे 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 विलीज, देखो यहाँ पर भी ये आ गया। तो ये छोटे 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 विलीज सरफेस एरिया को बढ़ा करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे ब्रश जैसे दिख रहे हैं आपको ये एक अगर विली को हम देखें तो एक विली कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एक विली कुछ ऐसी इस तरह का स्ट्रक्चर का होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इसके नीचे जो है ये वेन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वेन है, ठीक है, ये वेन है, ये अंदर वाला जो एरिया है ये वेन है, और जब फूड, ठीक है, ये ब्लड, और यहाँ से जो है वो मिनरल्स को ये जो है एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, मिनरल्स को ये एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, और इस तरह से जो है वो मिनरल्स हमारे बॉडी को मिलते हैं, क्लियर।